स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग कल डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी क्लास 10th में चर्चा करते आए हैं, आधा वीडियो हम लोग कल देखे हैं, इसी को हम पार्ट टू आज फिर से कंटिन्यू करेंगे। और आज वो इस लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म भी कर देंगे। डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी किस तरह से चैलेंज है, इस चीज़ को हम लोग चर्चा करते आए हैं। कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया, मैक्सिको ओलंपिक का घटना को देखा कल के वीडियो में, लेक्चर में देखा कि कैसे अमेरिका में जो रंग भेद के खिलाफ ये जो नीति चल रही थी उसके विरोध में दो खिलाड़ियों ने नंगे पाँव ओके और हाथ को ऊपर सर झल झुका के हाथ को ऊपर करके उन्होंने कैसे विरोध किया, और बदले में ये दोनों खिलाड़ी को कार्लोस और स्मिथ को क्या झेलना पड़ गया रंग भेद के नीति के कारण, उनके मेडल को वापस ले लिया गया, तो ये उनके साथ भेदभाव हुआ। ये हम लोगों ने डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी के चैलेंज को देखा। कुछ और बात करेंगे डाइवर्सिटी को समझने के लिए कि डाइवर्सिटी कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है, इस चीज़ का हम लोग कुछ और एग्जांपल देखेंगे कि डाइवर्सिटी कैसे उत्पन्न होती है और ये किस तरह से डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज बनती है। तो हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे कि डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी क्या रूप लेता है, इसका चर्चा करेंगे और कुछ और कंट्री का एग्जाम्पल भी लेंगे। डाइवर्सिटी हम लोग देखेंगे कि ये सामाजिक भेदभाव के से उत्पन्न होता है, ठीक है। ज़्यादातर ये जो डाइवर्सिटी है, विविधता है जो है, वो सामाजिक भेदभाव को उत्पन्न करती है। और ये जो डाइवर्सिटी है बाय बर्थ भी होती है, जैसे धर्म, जाति, ठीक है, लिंग, सेक्स, ये जो हुआ ये हमारा क्या भाषा, ये हमारा बाय बर्थ होता है। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ जो ये है विविधता है वो हम लोग बाय चॉइस भी कर सकते हैं। हम सेक्स नहीं बदल सकते हैं डेफिनेटली, जाति भी नहीं बदल सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन धर्म जो है वो कुछ पर्सन जो है वो अपना क्या करते हैं बाय चॉइस चेंज कर सकते हैं। तो ये विविधता बाय चॉइस भी हो सकती है। ज़्यादातर विविधता तो जन के आधार पर ही होती है, समाज के आधार पर होती है। सामाजिक विविधता जो होती है वो जन के आधार पर चल रही है, लेकिन कुछ कुछ लोग अपने बाय चॉइस से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने धर्म का एग्जाम्पल लिया कि धर्म वो अपने अनुसार चेंज कर दे सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर हिंदू है तो बाद में कन्वर्ट होकर मुस्लिम हो सकता है, ईसाई हो सकता है। तो ये विविधता बाय चॉइस भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर विविधता जो होती है सामाजिक विविधता वो कैसे होती है, धर्म के आधार पर होती है। हमारा जन्म जिस समुदाय में परिवार में होता है प्राय सामाजिक, उसको क्या बोलते हैं, सामाजिक विभाजन कहते हैं। और शारीरिक क्षमता के आधार पर जो विभाजन होता है उसको शारीरिक विभाजन कहते हैं। जैसे कोई लंबा हुआ, कोई गोरा हुआ, कोई नाटा हुआ, या अलग अलग सेक्स का हुआ, तो इसके आधार पे भी बहुत सारी विविधताएँ देखने को मिलती है। इसी तरह का विविधता का और हम लोग एग्जांपल देखेंगे। जैसे हम लोग कल अमेरिका की चर्चा करते आए, अमेरिका में क्या ये समस्या थी, हम लोगों ने देखा कि भाषा के आधार पे ये विविधता चल रही थी बेल्जियम में और श्रीलंका में। उसी तरह धर्म के आधार पर हम लोगों ने देखा, श्रीलंका में भी देखा धर्म के आधार पर बहुत सिंगली के धर्म के आधार पर विविधता चला। फिर हम लोगों ने अमेरिका में देखा कि वहाँ एक और विविधता थी, वो थी क्या, नस्ल पे, रंग के आधार पर एफ्रो अमेरिकन के साथ कैसे कैसा भेदभाव हो रहा था। आज एक हम लोग एक कंट्री और एग्जांपल लेंगे, वो हमारा है आयरलैंड। ये उत्तरी आयरलैंड का एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। उत्तरी आयरलैंड की क्या समस्या है उसको देखेंगे। उत्तरी आयरलैंड और एक कंट्री और जिसका नाम है नीदरलैंड, उसकी भी प्रॉब्लम को देखें। तो देखते हैं, हम लोग पहले बात करते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट यानी ईसाई धर्म के लोग हैं। ईसाई धर्म में दो खेमा बटा हुआ है और नीदरलैंड में भी ईसाई धर्म में दो खेमा बटा हुआ है। अब उन लोगों के बीच की समस्याओं को देखते हैं। आयरलैंड में क्या है, 53% जो है वो प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग हैं और 40% जो है वो रोमन कैथोलिक है। प्रोटेस्टेंट धर्म वाले जो हैं वो वहाँ क्या हैं, अमीर हैं, और रोमन कैथोलिक वाले जो हैं गरीब हैं। इन दोनों के लेके धर्म को लेके वहाँ पे आए दिन जाति हिंसा होती रहती है। वहाँ पे जाति हिंसा हमेशा होती रहती है क्योंकि प्रोटेस्टेंट लोग जो है अमीर हैं और कैथोलिक जो हैं क्या हैं, गरीब हैं। जबकि इसके ठीक विपरीत नीदरलैंड में भी मैंने बताया, वहाँ भी ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ भी दो धर्म ईसाई धर्म में दो बट विभाजित हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। लेकिन अमीर गरीब कैथोलिक में भी देखने को मिल रहा है और प्रोटेस्टेंट में भी देखने को मिल रहा है, इसलिए वहाँ इस तरह की जाति हिंसा नरसंहार नहीं देखने को मिलता है। बाद में धीरे धीरे करके इस चीज़ को ओवरकम किया गया, आयरलैंड की समस्या को दूर किया गया। आयरलैंड में फिर 1998 में
दोनों को उत्तरी आयरलैंड को और आयरलैंड डंडास को। प्रोटेस्टेंट वाले तो चाहते थे कि उनका अलग से कंट्री हो आयरलैंड डंडास हो, जबकि कैथोलिक वाले चाहते थे यूके के साथ मिलने के लिए। दोनों की पॉलिटिकल पार्टी ने अलग अलग ढंग से, जैसे कैथोलिक वाले को यूनिस्ट पार्टी सॉरी नेशनलिस्ट पार्टी और प्रोटेस्टेंट वाले को कैथोलिक यूनिस्ट पार्टी सपोर्ट कर रहे थे। बाद में दोनों पार्टियों ने मिलकर मर्ज अपने आप में कहाँ मर्ज कर लिया, यूके में मर्ज कर लिया 1998 में। तो ये समस्या थी वहाँ प्रॉब्लम जो था वहाँ धन को लेकर जो आए दिन जाति नंगार हो रहा था ये सॉल्व हो गया। लेकिन इसके विपरीत हम लोग यूगोस्लाविया में देखेंगे हर धर्म का मैटर जो है वो सुखद अंत हो ये जरूरी नहीं है, विविधता सुखद अंत पे लाए। यूगोस्लाविया एक कंट्री जहाँ हम लोगों ने क्या देखा धर्म के नाम पे वो कई कंट्रियों में टूट गया, कई भागों में टूट गया। तो ये यूगोस्लाविया का बहुत ही दुखद अंत हुआ। इसी तरह का एग्जाम्पल हम यूएसएसआर का भी लेंगे, वहाँ भी यूएसएसआर भी क्या हुआ छोटे छोटे कई कंट्रियों में विभाजित हो गया। तो ये धर्म जो है विविधता जो है बहुत बहुत तरीक़ों से देखने को मिलता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी डेफिनेटली एक चैलेंज है, और अगर इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्व हो जाए पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाए तो बहुत ही दुखद अंत करके लाता है। जैसे हम लोगों ने यूगोस्लाविया का अंत देखा, यूएसएसआर का अंत देखा, हाँ उत्तरी आयरलैंड के बारे में हम लोगों ने सुखद अंत देखा। उत्तरी आयरलैंड का जो रिजल्ट हुआ वो क्या हुआ सुखद हुआ। लेकिन ये बहुसंस्कृति कल्चर जो है केवल बड़े कंट्रियों में देखने को नहीं मिलता। जैसे भारत बहुत बड़ा कंट्री है तो हम लोग को लगता है इतने बड़े कंट्री में केवल एक भाषा एक धर्म एक लैंग्वेज पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा पहले से बेल्जियम के बारे में हम देखते आ रहे हैं बहुत छोटा कंट्री, हरियाणा के जैसा बड़ा कंट्री, श्रीलंका को देखते आ रहे हैं लेकिन क्या देखा कि वहाँ भी कई धर्म कई भाषा के लोग रह रहे हैं। ये केवल बड़े कंट्रियों की समस्या नहीं है बल्कि छोटे कंट्री में भी बहुत सांस्कृतिक कल्चर देखने को हमें मिल रहा है। और इस बहुसांस्कृतिक कल्चर को मिला के ही क्या क्या कह सकता है राजनीति को मतलब डेमोक्रेसी को एक किया जा सकता है। अगर कई कंट्री में एक कंट्री में कई भाषा के लोग रह रहे हैं कई धर्म के लोग रह रहे हैं तो वो कंट्री तभी खुशहाल हो सकता है जब वहाँ पे डेमोक्रेसी में क्या दिया जाए पावर का शेयरिंग किया जाए। ठीक है वो पावर शेयरिंग है सभी धर्म के लोगों को सभी जात के लोगों को समानता मिलेगी तो देश खुशहाल होगा और उसका परिणाम सुखद होगा। जैसे हम लोगों ने आयरलैंड को देखा कि आयरलैंड में बाद में क्या सुखद रिजल्ट होता है, इसके जस्ट अपोजिट हम लोग यूगोस्लाविया में देखते हैं क्या यूगोस्लाविया कई पार्टों में बढ़ गया, बुल्गारिया रोमानिया कई भागों में बढ़ गया जबकि आयरलैंड मर्ज होके यूके का एक पार्ट बन गया गणराज्य बन गया। तो डेफिनेटली डाइवर्सिटी डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज है लेकिन इसे हम ओवरकम कर सकते हैं संविधान को अच्छे ढंग से बना के या सभी को समानता देके संविधान में सभी धर्म के जाति के लोगों को भाषा के लोगों को समानता देके हम अपने डेमोक्रेसी को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि डाइवर्सिटी तो सामाजिक ही रूप है ये तो जन्म के आधार पर हो रहा है लेकिन इसको हम मजबूत कर दूर कर सकते हैं, इसकी प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं इसमें संविधान में समानता ला के। आई होप आप लोगों को डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी समझ में आया होगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।